नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 17 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अपने घर पहुंची देश की पहली महिला नौसेना पायलट। देश की सबसे पहली महिला नौसेना पायलट शिवांगी विजय दिवस पर अपने घर पहुंच चुकी है, जहां पर लोगों ने उनका भव्य अंदाज में स्वागत किया है, जिसके पश्चात उनके पराक्रम दिवस के मौके पर बिहार राज्य के पूर्व सैनिक संघ ने सम्मानित भी किया। ज्ञात हो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की शिवांगी नौसेना में पायलट के पद पर कार्यरत है। उनकी इस उपलब्धि से समूचे बिहार एवं देश को उन पर गर्व है। ऐश्वर्या मामले पर बोले तेजस्वी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इतने दिनों से अपने पारिवारिक मसले को लेकर चुप्पी साधे बैठे थे, मगर अब उन्होंने अपनी भाभी और तेज प्रताप यादव की पत्नी द्वारा परिवार पर लगाए गए सभी बयान को झूठा करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ऐश्वर्या से यह सब कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करवा रहे हैं, वो जानबूझकर मेरे परिवार का नाम खराब करने पर तुले हुए हैं। ऐश्वर्या राय का साथ देगी भाजपा। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू ऐश्वर्या राय ने अपने ससुराल वालों पर कई तोहमत लगाए हैं, जिसका समर्थन अब भाजपा भी खुलेआम कर रहा है, जिसके तहत भाजपा ने लालू परिवार पर तंज कसा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने लालू परिवार पर तंज कसते हुए यह कहा है कि यह बहुत दुखद है कि बिहार में लालू जी का परिवार राजनीति में ऊंचे स्थान पर गिना जाता है, उसके बावजूद भी लालू परिवार अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। ऐश्वर्या हमारे समाज की बेटी है, ऐश्वर्या का समर्थन और न्याय मिलना चाहिए। बांका के लखदीपा मंदिर में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इस मंदिर का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यह मान्यता है कि प्राचीन समय में यहां 1 लाख दीप जलाए जाते थे। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने स्वयं को मधुसूदन के नाम से स्थापित किया है। इतिहासकारों का मानना है कि मदार पर्वत स्थित लखदीपा की बनावट दक्षिण भारत जैसी है, और यहाँ के मंदिरों को देखकर लगता है कि यह जगह मंदिरों का एक समूह रहा होगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 16 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 36,910 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,910 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.64 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 70.74 रुपए प्रति लीटर था। बॉलीवुड के सलमान खान ने धोनी और केदार जाधव पर दी अपनी प्रतिक्रिया। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान हाल ही में हुए भारत वेस्टइंडीज वनडे मैच के दौरान स्टार स्पोर्ट्स पर नेरोलैक क्रिकेट लाइव नाम के एक खास सेशन में हिस्सा लिया, जिसमें उनके साथ दक्षिण भारतीय फिल्म के स्टार तथा आने वाली फिल्म में काम कर रहे सुदीप कीचा भी शामिल रहे। इस शो में सलमान खान ने क्रिकेटर केदार जाधव के साथ अपने लगाव के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने एमएस धोनी को क्रिकेट का चुलबुल पांडे भी बताया। सुदीप कीचा से जब उनके पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो खेल वाले दिन अच्छा प्रदर्शन करता है वही उनका पसंदीदा खिलाड़ी होता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को मिली जीत। बिहार के दरभंगा जिले के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुछ ही दिनों पहले छात्र संघ चुनाव का आयोजन किया गया था, जिसके परिणाम की घोषणा कर दी गई है। जारी किए गए इस परिणाम में एबीवीपी ने लगातार तीसरी बार इस छात्र संघ चुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। जीत के बाद समूचे एबीवीपी में खुशी की लहर दौड़ रही है। एनआरसी मुद्दे पर एनडीए के बिफरे सुर। नागरिकता संशोधन विधेयक पर जहां एक ओर भाजपा को एनडीए गुट का साथ मिला, वहीं एनआरसी मुद्दे पर अब एनडीए के बोल अलग अलग दिख रहे हैं। एनआरसी मुद्दे पर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि एनआरसी मुद्दे पर गृह मंत्री पहले लोगों के मन में जाग रही आशंकाओं पर स्थिति अपनी साफ करे। वहीं जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि एनआरसी लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले के साथ हम नहीं देंगे। राबड़ी आवास पर हुए वाक्या पर चिराग ने जताया दुख। राबड़ी आवास पर सास बहू के बीच चल रहे मनमुटाव अब राजनीतिक रुख लेने लगे हैं। पहले भाजपा और अब लोजपा ने खुलकर राबड़ी देवी की बहू ऐश्वर्या राय का समर्थन किया है। लोजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष चिराग पासवान ने ऐश्वर्या का समर्थन करते हुए यह कहा है कि ऐश्वर्या के साथ जो हो रहा है वह बहुत गलत हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर कसा अनोखे अंदाज में तंज। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा एक भी मौका नहीं छोड़ते सत्तासीन सरकार पर तंज कसने का। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। पटना के युवा रालोसपा द्वारा आयोजित की गई सरदार पटेल की 69वीं पुण्यतिथि पर एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यह तय करें कि उन्हें किस तरफ रहना है, नहीं तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। स्ट्रीट डांसर 3D का पोस्टर हुआ जारी। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D का पोस्टर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें इस फिल्म का ट्रेलर कल यानी कि 18 दिसंबर को रिलीज होने वाला है। ट्रेलर रिलीज होने से पहले इस फिल्म का दो पोस्टर जारी किया है, जिसमें एक पोस्टर में फिल्म की हीरोइन श्रद्धा कपूर हिप हॉप लुक में नजर आ रही है, तो वहीं वरुण धवन अपने जारी किए गए नए पोस्टर में रग लुक में नजर आ रहे हैं।
अब आइए जानते हैं हम बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अविनाश मिश्रा की। अविनाश मिश्रा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। अविनाश मिश्रा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2017 से टीवी इंडस्ट्री से की थी। अविनाश मिश्रा ने सबसे पहले जी टीवी के सेठ जी में बाजीराव का किरदार निभाया था। उसके बाद उन्होंने अभय सिंह ओबरॉय का किरदार स्टार प्लस के बहुचर्चित शो इश्कबाज में निभाया था। वहीं इस समय में अविनाश जी टीवी के एक मशहूर शो का हिस्सा बने हुए, जिसका नाम है ये तेरी गलियां। गूगल मैप से जानकारी के अनुसार घर से निकल रहे हैं लोग। गंगा की दूसरी ओर जाने वाले लोग अब विक्रमशिला सेतु पर जाम की स्थिति को देखते हुए घर से बाहर कदम रख रहे हैं। इसके लिए लोग गूगल मैप का सहारा ले रहे हैं। हालांकि गूगल मैप भी अगले पल की जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि अगले ही मिनट में कितनी गाड़ियां आकर जमघट लगा दे यह कोई नहीं कह सकता। आए दिन विक्रमशिला सेतु पुल पर गाड़ियों का मजमा लग जाता है। ऐसे में लोगों को गंगा नदी पार करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विज्ञान के परीक्षा पैटर्न में किए गए बदलाव, सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पैटर्न में कई बदलाव किए हैं। यह बदलाव खास करके विज्ञान विषय में किया गया है। विज्ञान के विद्यार्थियों से अब प्रैक्टिकल आधारित सवाल भी पूछे जाएंगे। सीबीएसई द्वारा किए गए इस बदलाव का उद्देश्य परीक्षार्थियों की गहन सोच और तर्क की क्षमता को बढ़ाना है। इसके साथ ही आपको बता दें, बदले गए पैटर्न के अनुसार दोनों पेपर मिलाकर, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर मिलाकर, छात्रों को 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। बेमौसम बरसात से धान को हुआ नुकसान, तो वहीं गेहूं का फायदा। अचानक से ठंड के मौसम में हुए बरसात से चावल की खेती करने वाले किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अचानक हुई बरसात से खेतों में पानी का स्तर बढ़ गया है, जो कि धान की खेती के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। तो वहीं बेमौसम हुई इस बरसात ने गेहूं की खेती करने वाले किसानों की झोली में खुशियां भर दी है। आपको बता दें, अचानक से हुई यह बारिश रबी फसलों के लिए, जैसे कि गेहूं, मसूर, अरहर, चना के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होती है। जूनियर इंजीनियर पद के लिए निकाली गई बंपर रिक्तियां। बिहार में जूनियर इंजीनियर के लिए कुल मिलाकर 463 पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो अभ्यर्थी को सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर में 3 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें, तो अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष होना अनिवार्य होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 8 जनवरी 2020 तक इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। आईटी क्षेत्र में विकास और विस्तार के लिए बीआईटीए का किया गया गठन। बिहार सरकार ने आईटी क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए बिहार सूचना प्रौद्योगिकी प्राधिकरण का गठन करने का ऐलान किया है, जिसकी घोषणा राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह की है। सरकार ने यह साफ कहा है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी नीति 2011 की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें, बिहार सूचना प्रौद्योगिकी का प्राधिकरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। बिहार बंद को लेकर महागठबंधन और वाम दल नहीं हुए एक साथ। सीएए और सीएबी को लेकर बिहार में महागठबंधन सरकार ने 2 दिनों के लिए बिहार बंद का ऐलान किया है। वहीं अपने इस अभियान में महागठबंधन सरकार ने वाम दलों को भी अपने पक्ष में करने की अच्छी कोशिश की थी, मगर उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि वाम दल 19 दिसंबर को बिहार बंद की मांग कर रही है, तो वहीं महागठबंधन के सभी दल 21 दिसंबर को बिहार बंद करने का ऐलान कर चुके हैं। अब सुबह में दिखाई देगा कोहरे का असर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज से मौसम में कोहरे की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बंगाल की खाड़ियों में चल रहे चक्रवाती हवाओं का असर अब कम होता जा रहा है, जिससे कि मौसम में कोहरे की संभावना बढ़ गई है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में कोहरे की स्थिति बढ़ेगी, साथ ही साथ बारिश की संभावनाएं भी बनी रहेंगी, जिससे कि तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी भी दर्ज की जा सकती है। अब 4 केंद्रों से रखी जाएगी पटना के आबोहवा पे नजर। पटना इस समय में सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाने वाला शहर है, मगर अब इस शहर की आबोहवा पर 4 केंद्रों से नजर रखी जाएगी। हालांकि सूबे में अभी तक एकमात्र केंद्र ही वायु गुणवत्ता जांच केंद्र मौजूद है, मगर अब 3 और नए केंद्रों का शिलान्यास किया जाएगा। यह केंद्र बीआईटी इको पार्क और एसके मेमोरियल हॉल परिसर में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें, समूचे बिहार में इस वक्त सिर्फ 3 शहरों में वायु गुणवत्ता जांच केंद्र मौजूद है। सुशील मोदी ने राजद कांग्रेस पर कसा तंज। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद और कांग्रेस पार्टी पर जमकर तंज कसा है। सुशील कुमार मोदी ने राजद और कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए यह पूछा है कि कांग्रेस और राजद बताए, जब केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नागरिकता संशोधन विधेयक का सीधा असर बिहार पर पड़ ही नहीं रहा है, तो ये दोनों पार्टियां जनता को इसके विरोध में बहका क्यों रही है। राजद और कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करना बंद कर रहे थे। रामप्रसाद सिंह को मिली नालंदा के जिलाध्यक्ष की कमान। भाजपा ने नालंदा के जिलाध्यक्ष की कमान रामप्रसाद सिंह को सौंप दी है। अध्यक्ष की घोषणा किए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने रामप्रसाद सिंह को बुके और माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। जिलाध्यक्ष चुने जाने के बाद रामप्रसाद सिंह ने कहा कि आज हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते और सहयोग से ही दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। मैंने पहले भी पार्टी के हित में ही काम किया है और आगे भी पार्टी के हित में ही काम करूंगा।
सीएसबीसी का एडमिट कार्ड हुआ जारी। सीएसबीसी बिहार होमगार्ड कांस्टेबल की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस पद के लिए आवेदन भरा है वह इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञात हो सीएसबीसी की यह परीक्षा 29 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। आयोजित यह परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि सभी उम्मीदवारों को अपने परीक्षा केंद्र पर 9 बजे ही पहुंचने का निर्देश जारी किया गया है। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। बारिश के कारण ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही तेज हवाओं के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं दिन भर हल्की धूप निकलने की भी संभावना है। शरद यादव ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर दिया बड़ा बयान। महागठबंधन के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने सीएए और एनआरसी मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे को लेकर बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा जैसे अन्य वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। केंद्र सरकार देश को अंधकार की तरफ धकेल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाले अगले एक दिवसीय मैच में आपके हिसाब से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।